हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने लेके आए मशरूम। आप लोगों को पता होगा मशरूम में बहुत सारे विटामिन है, जैसे फाइबर है, विटामिन बी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बहुत सारे विटामिन। हमें भी मशरूम खाना चाहिए। मशरूम में बहुत सारे विटामिन है, हमें बहुत सारे विटामिन मिल रहा है, उसमें फाइबर भी है, हमारे डाइट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी को सभी लोग खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। डाइट लोग भी इसको फूड चार्ट में ऐड कर सकते हैं। फाइबर की वजह से हम इसको डाइट में ऐड कर सकते हैं और सब लोग खा सकते हैं इसको। आज हम बनाएंगे मशरूम। आइए, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर मशरूम लिए। मशरूम का बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन हमने यहाँ पर पैडी स्ट्रॉ मशरूम लिए है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पैडी स्ट्रॉ मशरूम दिखने में ऐसे होता है, आप देखिए। देखिए हमारा मशरूम दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हमें चार हिस्से में, एक मशरूम को हम चार हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। चार हिस्से में हम इसको काट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर काट लिए हैं मशरूम को चार हिस्से में। देखिए ये रहा एक हिस्सा, इसका और एक हिस्सा ए वाला, जैसे इसका और एक हिस्सा ए और एक हिस्सा ए, हो गया चार। एक मशरूम को हमें चार हिस्से में काट लेंगे। बड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा छोटा नहीं करना है हमें। यहाँ पर हम इसी तरह बाकी को भी काट लेंगे। हमें मसाला की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर एक स्पून जीरे लिया है, कुछ लाल मिर्ची, कुछ अदरक, कुछ लहसुन, कुछ प्याज कटा हुआ, एक कटा हुआ टमाटर लिए हैं यहाँ पर। कुछ सूखे मसाला हम बाद में यूज करेंगे। हमने मशरूम को तीन बार अच्छी तरह से साफ़ कर चुके हैं, ये रहा चौथी बार। अब हल्दी पानी में इसको थोड़े देर तक रखेंगे ताकि इसका कीटाणु ख़त्म हो जाए। ये रहा हमारा ब्लेंड हुआ मसाला, बारीकी से कटा हुआ एक प्याज। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद बारीकी से कटा हुआ प्याज को डालेंगे। अब प्याज में सॉल्ट डालेंगे ताकि जल्दी हो जाए। आपको पता होगा हमने पहले हल्दी पानी में डाले थे मशरूम को। अब मशरूम को अच्छी तरह से स्क्वीज करके प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी को भी हम निकाल लेते हैं स्क्वीज करके। देखिए हमारा प्याज बन गया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो गया है। अब इसमें मसाला डालेंगे। अब मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारा मसाला अब थोड़ा थोड़ा बन गया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर अच्छी तरह से होने के बाद हम मशरूम डालेंगे। देखिए हमारा स्क्वीच किया हुआ मशरूम रेडी है। अब मशरूम को थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालेंगे। अच्छी तरह से मसाला में मिक्स करेंगे हम। अब स्वाद मुताबिक हम नमक डालेंगे। पहले 1/2 स्पून डाले थे नमक प्याज में, हम पहले हल्दी पाउडर नहीं डाले थे, आप डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 15 मिनट तक कवर कर लेते हैं। देखिए मशरूम हमारा बन गया है। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट तक पकाते हैं। देखिए हमारा गर्मा गर्म मशरूम रेडी है, हमारा पैडी स्ट्रॉ मशरूम रेडी है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। आप इस मशरूम मसाला को आप सभी के साथ खा सकते हैं, रोटी में खा सकते हैं, राइस में खा सकते हैं, नान में खा सकते हैं, सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। Thank you for watching.